दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग रेडमी A3 की। तो यार फ़ोन काफ़ी कमाल का है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है जो कि बहुत ही लो प्राइस पे लॉन्च हुआ है। इस फ़ोन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है ओनली 7,299 रुपये। और यार इसमें फ़ीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे दिए गए हैं और कुछ कमियां भी रखी गई है, उनकी भी बात हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये जो फ़ोन है एक बेसिक सा फ़ोन है, बट अपनी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग एक ठीक ठाक सा स्मार्टफोन रेडमी ने लॉन्च किया है। और दोस्तों बॉक्स पे आप देख सकते हैं कि चारों ओर कुछ ना कुछ डिटेल मेंशन की गई है इसी फ़ोन के बारे में। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग, करते हैं बॉक्स को ओपन। दोस्तों इस फ़ोन का जो बॉक्स है वो थोड़ा अलग डिज़ाइन में दिया गया है इस बार, जो कि फ्लिप टाइप में ओपन होता है। और सबसे ऊपर ही रखा है स्मार्टफोन। निकालते हैं इसे बॉक्स से बाहर, फिलहाल इसे साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 वोल्ट का पावर एडेप्टर दिया गया है और साथ में यहाँ पे टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल भी दी गई है और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं। फिलहाल बॉक्स को साइड में रख देते हैं और बात करते हैं इस फ़ोन के लुक्स एंड डिज़ाइन की। निकालते हैं इसे प्लास्टिक से बाहर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यार ये जो फ़ोन है ये लुक वाइज तो काफ़ी अमेजिंग है, जहाँ पर इसका जो बैक पैनल है वो भी ग्लास का बना है। हालांकि जो ग्रीन कलर वेरिएंट है उसका बैक पैनल लेदर का बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे बड़ा सा राउंड शेप में ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और साथ में LED फ्लैश दी गई है। दोस्तों ये जो कैमरा बम्प है ये काफ़ी बाहर की तरफ निकला हुआ है और अभी जो रिसेंटली काफ़ी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उनमें ऐसा ही राउंड शेप में कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। बट दोस्तों इसमें दो ही छोटे छोटे कैमराज दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग यार ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। बाकी यार इतनी कम प्राइस रेंज पे ग्लास बैक देना अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो यार लुक वाइज ये फ़ोन डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्टिव है। और दोस्तों इस फ़ोन के राइट साइड में पावर बटन दिया गया है और उसके ठीक ऊपर लगे हैं वॉल्यूम बटन्स। और दोस्तों इसके टॉप साइड में 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है और पास में स्पीकर भी दिया गया है और बॉटम साइड में प्राइमरी माइक्रोफोन और टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। यहाँ पर और कोई भी स्पीकर नहीं दिया गया है क्योंकि इसका जो मेन स्पीकर है वो ऊपर की ओर लगा है। पहले तो यार मैंने सोचा कि कहीं इसमें स्टीरियो स्पीकर्स तो नहीं दे दिए रेडमी ने, बट ऐसा कुछ नहीं है। और इसके लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दी गई है, तो इसे भी बाहर निकाल कर देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यार यहाँ पर ड्यूअल सिम और एक SD कार्ड का स्लॉट अलग से दिया गया है। तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है, जहाँ पर अगर आपके फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है तो आप यहाँ पर SD कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस फ़ोन की जो थिकनेस है वो है 8.32 mm और जो वेट है वो है 199 ग्राम्स। और जो ग्रीन कलर ऑप्शन है लेदर बैक वाला, उसका वेट है 193 ग्राम्स। और दोस्तों फ्रंट साइड की बात करें तो इसकी डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नोच के साथ दी गई है। दोस्तों इस प्राइस पे वाटर ड्रॉप नोच ही मिलेगी, सेंटर कंसोल कटआउट तो देने से रही कंपनी। बाकी यार इस डिस्प्ले की जो साइज है वो है 6.71 इंच की। ये एक HD+ IPS LCD है और इस डिस्प्ले की जो रिफ्रेश रेट है वो है यार 90 Hz। तो यार ये भी एक प्लस पॉइंट है क्योंकि इस प्राइस रेंज के ज़्यादातर फ़ोन्स में हमें 60 Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। और इसकी जो टच सैम्पलिंग रेट है वो है 180 Hz। और दोस्तों इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है 500 nits की। तो यार ब्राइटनेस भी काफ़ी सही है, जहाँ पे आउटडोर में भी आप अगर इस फ़ोन को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। और दोस्तों इस डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 लगाया गया है। तो यार ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जहाँ पे इतनी कम प्राइस रेंज में हमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल रही है। तो यार डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छी है। तो यार बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो इस फ़ोन में MediaTek Helio G36 चिपसेट का यूज़ किया गया है। यह चिपसेट 12 नैनोमीटर प्रोसेस पे बेस्ड है और इसकी जो मैक्स क्लॉक स्पीड है वो है 2.2 GHz और साथ ही इसमें IMG पावर्ड VR GPU भी दिया गया है। दोस्तों प्रोसेसर इसका ठीक ठाक है, फिर भी यार ये फ़ोन है ये थोड़ा स्लो है। अब पता नहीं इसका कारण क्या है, बट आप यूज़ करोगे तो आपको फील होगा यार ये फ़ोन अटक अटक के चलता है। एप्स भी ओपन होने में ज़्यादा ही टाइम लेती है और आप नॉर्मल भी इसे यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको फील होगा कि यार फ़ोन बहुत ही स्लो है। दोस्तों इसमें रैम भी LPDDR4X दी गई है, उसके बावजूद ये फ़ोन इतना स्लो क्यों है इसका मेरे को समझ में नहीं आया। और इस फ़ोन में जो स्टोरेज है वो है eMMC 5.1। और दोस्तों कैमरा सेटअप की बात करें तो यार इस फ़ोन में ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप का यूज़ किया गया है, जहाँ पे जो मेन कैमरा है वो 8 MP का है। इसका अपेचर है f2.0 और जो सेकेंड कैमरा है वो एक AI सेंसर है। अब इसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, इससे अच्छा तो ये होता कि आप एक ही कैमरा इसमें दे देते 13 MP का।
पर दोस्तों इसका जो प्राइमरी कैमरा है उसकी क्वालिटी यार काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं यार फोटो में डिटेल्स कितनी अच्छी तरह से दिख रही है। अदरवाइज दोस्तों हम देखते हैं कि नॉर्मली 8 मेगापिक्सल का कैमरा कैसा होता है, बट यार इस फ़ोन का प्राइमरी कैमरा डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। बाकी दोस्तों इसका जो सेल्फी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है, इससे भी आप काफ़ी हद तक ठीक ठाक सेल्फी कैप्चर कर पाएंगे। और दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी का यूज़ किया गया है जो कि 10 वोल्ट के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों चार्जिंग स्पीड बहुत ही स्लो है क्योंकि 5000 mAh की बैटरी को 10 वोल्ट के पावर एडेप्टर से अगर चार्ज करेंगे तो आपको कम से कम 3 घंटे से ज़्यादा का ही समय लगेगा। और अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें FM रेडियो दिया गया है और साउंड आउटपुट के लिए मोनो स्पीकर लगा है, और सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज़ किया गया है। और यार फाइनली बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। तो दोस्तों इस फ़ोन का जो बेस वेरिएंट है 3GB रैम 64GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है 7299 रुपीज़। और जो 4GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट है उसकी प्राइस है 8299 रुपीज़। और जो टॉप मॉडल है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है 9299 रुपीज़। और फ्रेंड्स ये फ़ोन 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, ओलिव ग्रीन, मिडनाइट ब्लैक और लेक ब्लू। तो यार ऑल ओवर बात की जाए तो रेडमी ने एक ठीक ठाक सा स्मार्टफोन लॉन्च किया है जहाँ पे इसकी डिस्प्ले अच्छी है, कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छा है, बट इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार है। क्योंकि यार अगर फ़ोन अटक अटक के चलता है तो फिर उसे यूज़ करने का मज़ा नहीं आता। फ्रेंड्स इस फ़ोन को तो वही लोग खरीदें जिनकी एक बेसिक सी नीड हो, जिन्हें डे टू डे लाइफ के लिए एक नॉर्मल सा बेसिक फ़ोन चाहिए। अगर आप गेमिंग के लिए इस फ़ोन को परचेज करने का सोच रहे हैं तो यार ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि यार गेम इस फ़ोन में आप नॉर्मली खेल नहीं पाएंगे। हाँ अगर आपको लूडो ही खेलना है तो वो तो एक अलग बात है। बाकी दोस्तों आपका क्या है ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।